नमस्कार दोस्तों, डेट्स तो आप सभी ने खाए ही होंगे जिनको खजूर बोला जाता है। सर्दियों के मौसम में काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं ये, और इसमें फैट जो है ना के बराबर होता है। आपके शरीर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले तो ये फाइबर से भरपूर होते हैं, अच्छे फाइबर आपको मिलेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको। साथ ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अंदर पोटाशियम होता है जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, कैल्शियम मैग्नीशियम है जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये बीपी को रेगुलेट करता है, बीपी हाई उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, यह उसको भी बढ़ाता है। आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आप एंटी एजिंग का काम करते हैं, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, स्किन पे ग्लो रहता है, रिंकल्स कम आते हैं। यह है एक नेचुरल स्वीटनर है, इसको आप जो रिफाइंड शुगर है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही यह आपको एनर्जी देता है अच्छी। इसको अगर प्रेगनेंसी के आखिरी महीना आधा महीना में लिया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही ये वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, वेट नहीं बढ़ता, रेगुलेट करता है उसको। आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मेमोरी बढ़ती है, शार्प होता है। आपकी आँखों के लिए अच्छा है, उसकी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और इसको लेने का तरीका भी आसान है, इसको आप ऐसे पीस उठा के ले सकते हैं या इसको आप रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। इसकी स्मूदीज बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्मूदीज बनती हैं इसकी। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो यह उसमें भी रेगुलेट करता है, उसको भी खून बढ़ाता है आपका, आपके हेयर्स के लिए अच्छा है। कुल मिला के इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसे सर्दियों में ज़रूर 2 पीस 4 पीस लेने चाहिए डेली। हाँ, जिनको डायबिटीज़ है या मोटापा है वो थोड़ा ध्यान रखें, बाकी इसको हम सब खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।